गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में जब समान प्रकृति वाले दो या दो से अधिक ब्लेनों को आपस में मिलाते हैं और साथ में अतिरिक्त जल मिलाते हैं, जल मिलाने के बाद प्राप्त परिणामी ब्लेन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, आज इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कैलकुलेट दी रिजल्टेंट मोलरिटी ऑफ 400 मिलीलीटर 1/200 मोलर H2SO4 प्लस 400 मिलीलीटर 1/100 MHCl प्लस 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। जब सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल को आपस में मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त मिश्रित ब्लेन की मोलरता क्या होगी। चूँकि सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों की प्रकृति समान है और ये जली ब्लेन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड मोलरता M1 = 1/200, वॉल्यूम आयतन = 400 मिलीलीटर। मिली मोल M1V1 = 1/200 × 400। कैलकुलेट वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलरता M2 = 1/100, वॉल्यूम आयतन कितना है, 400 मिलीलीटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुल मिलीमोल कितने होंगे, M2V2 1/100 × 400, कैलकुलेट करने पे 4 आएगा। फार्मूला 2 एसिड है तो M = M1V1 प्लस M2V2 / V, क्या है, मिश्रण का आयतन ये है। भी की वैल्यू जो मिक्सिंग का है, V1 प्लस V2 प्लस वाटर। इस प्रश्न जो है वाटर भी साथ में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 प्लस 200 यानी कितना, 1000 मिलीलीटर भी की वैल्यू। तो इस फार्मूले से जब मोलरता कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, M = कितनी वैल्यू है, 2 है, कितनी वैल्यू है, 4 है, टोटल भी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। कैलकुलेटेड 6/ कितना आया, 1000। यहाँ से कैलकुलेट करने पे कैपिटल M की वैल्यू आएगी 0.006 आएगी, ये है वैल्यू। सॉल्यूशन देख लीजिए, इस फार्मूले में पुट अप करने के बाद जो है वैल्यू जो आएगी, M1V1 की वैल्यू 2 है, M2V2 की वैल्यू 4 है, 2 प्लस 4, और V मिक्सिंग कितना है,
400 प्लस 200 1000 मिलीलीटर, तो 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 4 6 अपॉन 1000, कैलकुलेट कैपिटल एम इज इक्वल टू 0.006। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो इसकी मोलरिटी जो है कितनी आई, 0.006 मोलर आई कैलकुलेटर। तो ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जिसमें जो है वाटर भी ऐड किया जाता है, फार्मूला वही रहेगा। मिक्सिंग जो है पहले प्रश्नों में क्या था कि वाटर नहीं मिला हुआ था, तो जितने भी समान प्रकृत वाले विलयन थे उनके कुल आयतनों का योगफल जो है वी मिक्सिंग के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है, साथ में जो है 200 मिलीलीटर क्या मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, तो प्राप्त रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो इस प्रकार निकालेंगे। ध्यान से इसे देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन, 500 मिलीलीटर ऑफ 10 पर पावर माइनस 5 एम NaOH इज मिक्स्ड विथ 500 मिलीलीटर ऑफ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 एम बेरियम हाइड्रोक्साइड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन 99 लीटर वाटर इज एडेड, कैलकुलेट दी मोलरिटी। दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आयतन जो है 500 मिलीलीटर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, जो आयतन है 500 मिलीलीटर और मोलरता जो है 10 पावर माइनस 5 कैपिटल एम। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो आयतन है 500 मिलीलीटर और मोलरता 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 कैपिटल एम। इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रित विलयन आता है उसमें 99 लीटर जो है जल को मिला दिया जाता है, तो परिणामी विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। चूँकि दोनों विलयन जो है NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्षारक हैं तो समान प्रकृति वाले हैं, तो फार्मूला क्लियर है, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपान वी मिक्सिंग मिक्सिंग, ये फार्मूला क्लियर है। यहाँ से जो फर्स्ट सॉल्यूशन है NaOH जो है फर्स्ट है, इसमें जो मोलरिटी दी हुई है M1 कितना दिया हुआ है 10 पावर माइनस 5 और V1 वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर, इसका जो है मिलीमोल M1 V1 इज इक्वल टू 10 पावर पर पावर माइनस 5 इंटू 500, इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, एक कैलकुलेटर वैल्यू आएगी। सेकेंड बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, V2 वैल्यूम कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसका मिलीमोल M2 V2 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 500, 5 या 25, 2 कैरी 5 टू जिया 5 2 जो है 10, 10 और 2 12.5 इंटू 10 पावर माइनस 3,
एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। और वी जो मिक्सिंग है मिश्रण का, वो वी वन प्लस वी टू और साथ में जो है क्या है, वाटर है, प्लस वाटर, ये है। इस ऐसे इसको निकालेंगे। पहले क्या था कि वाटर ऐड नहीं किया जाता था, जो पहले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें वाटर ऐड नहीं था। तो वैल्यू जो है, अगर थ्री सॉल्यूशन है तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री वी मिक्सिंग आया, वी मिश्रण का आया। या दो सॉल्यूशन है तो वी मिश्रण कितना आएगा, वी वन प्लस वी टू आएगा। लेकिन इसमें वाटर ऐड है तो मिक्सिंग जो है वी वन प्लस वी टू, दो सॉल्यूशन प्लस वाटर का आयतन, ये है। और वाटर जो है, अब इसको जो है फाइव वी वन जो है कितना है, वी वन कितना है फाइव हंड्रेड मिलीलीटर, और वी टू कितना है फाइव हंड्रेड मिलीलीटर, और वाटर का जो वॉल्यूम है कितना है 99 लीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 99000 मिलीलीटर। तो यहाँ से जो है 500 प्लस 500 प्लस 99000 कितना हो जाएगा, 500 1000 प्लस 99000 टोटल हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 99000 और 1000 तो 0000 और यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कितना आएगा 1 लाख मिलीलीटर आएगा, इतनी वैल्यू आएगी 1 लाख मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ से पावर के रूप में अगर लिखना चाहते हैं 10^3, तो 10^3 जब लिखेंगे कितना हो जाएगा 100 × 10^3 मिलीलीटर, ये बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट बहुत ही आसान है इस फार्मूले से। फार्मूला क्या है, एम कैपिटल एम इक्वल टू एम वन वी वन, तो कितनी वैल्यू है 5 × 10^-3 प्लस कितनी वैल्यू 12.5 × 10^-3 अपान कितना हो गया 100 × 10^3। एम इक्वल टू कॉमन हो जाएगा 10^-3, तो 5 + 12.5 ब्रैकेट में × 10^-3 अपॉन 100 × 10^3। तो कैपिटल एम इक्वल टू 12.5 और 5 कितना हो गया 17.5 अपॉन जो है कितना हो जाएगा 100 × 10^3 को ऊपर ले जाएंगे तो पहले से 10^-3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा ऊपर 10^ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, आसान है कैलकुलेट करना। यहाँ पे क्या था NaOH था, और कैलकुलेट जो है कैपिटल एम इक्वल टू 17.5 अपॉन 100 × 10^-10 कितना होगा -6। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है आएगी
एम इक्वल टू 0.175 100 से डिवाइड करेंगे इनटू 10 पावर माइनस जो है 6 आएगी। कितनी आएगी वैल्यू? 10 की पावर 6। अब यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट वन पॉइंट के पहले ले आते हैं 1.75 और 10 पावर माइनस 6 की जगह कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। तो जो इसका आंसर आएगा मोलैरिटी का वो m इक्वल टू आएगा 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 7 मोलर जो आया है रिजल्टेंट का, ये है आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले एन ओ